गाइस कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। रेलवे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लोको पायलट टेक्नीशियन क्यों नहीं आया वेबसाइट पे? दो चीज़ें इस वीडियो में बात करूँगा, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी खबर ये है और अच्छी खबर में संभावना भी है। देखो, न्यूज़ में देख लिया, न्यूज़पेपर में देख लिया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी कहीं ना कहीं आपने शायद पढ़ ही लिया है कि लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो भर्ती है उसका जो नोटिस है वो कब आएगा वेबसाइट पे। देखो, नोटिस जो है वो कल दोपहर 10 बजे से, कल मॉर्निंग में 10 बजे से दोपहर 12 1 बजे के बीच में आपको रेलवे की सभी वेबसाइट, जितने भी बोर्ड हैं सब पे और मेन आरआरबी की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकता है। इस वर्ड को याद करना, मिल सकता है, एग्जैक्टली नहीं है, मिल सकता है। तो इसलिए आप खुश रहिए कि, और ये डिले क्यों हुआ है, आपने जो आर्टिकल पढ़े हैं, जो न्यूज़पेपर में आपने देखा है, उसमें लिखा था 27 जनवरी से अप्लाई होगा। तो 27 जनवरी और 3 फरवरी के बीच में 5 दिन का गैप है, 27, 4, 31 और 3, 7 दिन का गैप हो गया, 1 वीक निकल गया है। तो 1 वीक शायद इसलिए निकला है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बजट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे रीज़न है इसलिए शायद लेट हो गया। लेकिन अगर कल भी नहीं हुआ तो आप ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शायद कुछ प्रतिशत ये फेक भी हो सकता है, लेकिन अगर, पहले बात तो इसका कल का वेट कीजिए, कल दोपहर 10 बजे से 12 बजे तक शायद ये आ जाएगा, इसका अनुमान है। गारंटेड तो नहीं है, लेकिन जो सोर्स है, जो न्यूज़ है, वो यही है कि कल दोपहर 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। चलो, ये बात तो हो गई, कब आएगा ये तो आप चाहे एक हफ्ते में आए चाहे 10 दिन में, आप तो आना ही है। न्यूज़ कुछ धुआं निकला है तो आग भी कहीं ना कहीं लगी है, ये तो आएगा। आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिए, तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए। दूसरी जो बात है वो है एक बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ तो ये है कि आएगा, बैड न्यूज़ ये है कि जिस तरीके से पढ़ने में आया कि लास्ट टाइम जो 2014 में इस कैटेगरी की भर्ती हुई थी, तो उसमें एक जनरल जो लड़का होता था उसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती थी वो होती थी 30 साल, 30 ईयर्स। लेकिन इस बार आपने वो पढ़ा होगा कि उसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स दिया हुआ है। व्हाट्सअप में सबके आ गया होगा, जो भी व्हाट्सअप वगैरह चलाते हो, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। तो अब ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ है यार, जिन जो बेचारे 2014 से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ तो धोखा हुआ है। प्लस में 2015 में एज सर्कुलेशन भी दिया था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वैभव कुमार जी ने बताया भी था, यूट्यूब चैनल है जिनका, शायद वैभव कुमार है यार, नाम नहीं मुझे पता, कि एज सर्कुलेशन के ऊपर किसी ने वीडियो भी बनाया, बताया है कि 2015 से 17 के बीच में रेलवे 2 साल की छूट देता था, 2017 से 19 के बीच में रेलवे 1 साल की छूट देता है, 19 के बाद में कोई छूट नहीं है। लेकिन ये तो सोचिए मेरे भाइयों, 2015 के बाद 2018 आ गया, अभी तक तो कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो 2 साल हमारा वो खा गए, मतलब उस टाइम उन्होंने उनको छूट देनी थी 2 साल, तो वो ख़त्म कर दिया। प्लस में अभी अगर 28 साल हो जाता है तो 2 साल ये खा गए, मतलब 4 साल उन्होंने कंटिन्यू ख़त्म कर दिया। 4 साल में, अभी 2018 चल रहा है तो 19 तक 1 साल की छूट मिलेगी, तो 4 साल में 1 साल का वो छूट कर देते हैं, यानी 3 साल वो हमारे खा गए, 3 साल वो हमारे खा गए, मतलब घुमा फिरा के वो चीज़ हमारे को ही दबाएगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपने एज सर्कुलेशन क्यों दे दिया? एज सर्कुलेशन दे दिया, हम लोग खाली घर में बैठे रहेंगे, हमारी एज तो वैसे ख़राब हो रही है। अगर साथ में नोटिफिकेशन होता, नोटिफिकेशन के साथ में सर्कुलेशन आना चाहिए ना कि भैया ये रही जॉब का नोटिफिकेशन, ये रहा एज सर्कुलेशन, आपको इस जॉब में इतनी छूट मिलेगी। जॉब का नोटिफिकेशन 3 साल से आया नहीं, एज सर्कुलेशन 3 साल का बना दिया, वो बीत रहा है, जॉब है ही नहीं, तो एज सर्कुलेशन का फ़ायदा क्या हुआ? समझ में आया आपको कुछ बात? अभी नहीं समझ में आएगा, जो मैक्सिमम एज लिमिट पे हैं शायद उनके भेजे में, उनके दिमाग में एक बात घुस गई होगी, जो 28 साल 30 साल 32 साल के हैं, ये इस चीज़ के लिए नहीं है, ये ग्रुप डी के लिए भी शायद हो जाएगा। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जुड़ना पड़ेगा NDTV के रविश कुमार से, जुड़े रहिए, उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनकी न्यूज़ को देखिए, वैकेंसी के ऊपर वो क्या क्या चीज़ बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको, अकेले तो आप मेल वगैरह चिट्ठी वगैरह लिखते रह जाओगे रेलवे को, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन आप किसी के थ्रू अगर बात वहाँ करते हो, किसी के थ्रू अपनी खबर पहुँचाते हो, तो शायद रेलवे सुने, जो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया सुने कि ये धोखा हो रहा है विद्यार्थियों के साथ। तो अभी तो मत कीजिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है, कल पता चलेगा कि लोको पायलट के लिए 28 साल है या 30 साल है, क्योंकि उसमें तो 28 लिखा है तो शायद 28 ही रहेगा, 2 साल तो वो घटा दिए। प्लस में जब ग्रुप डी के लिए आएगा तो उसमें भी बहुत बड़ा हाहाकार मचेगा, तब आप लोग समझोगे कि हाँ कुछ ना कुछ धोखा हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस यही बताना था अपडेट कि कल 10 से 12 के बीच में आ जाएगा। इंतजार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, बस।
और हाँ, इस बाल के ऊपर मत हंसना यार, ये जानबूझ के नहीं कराया, ट्रिमर से शेविंग करते ना जो वो दोस्त कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ये ट्रिम करूँ साइड से, परंतु ये साइड से करते करते कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद फिर ये नाई के पास जाने के बाद ठीक करवाना पड़ा, तो उसने बोला कि ये ठीक नहीं होगा, ये कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी हो गया है, तो प्लीज़ इस पर हंसना मत, और मुझे बताना कि ये कैसा लग रहा है, लाइफ में पहली बार ऐसा बाल कटवाया। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोस, मतलब इंग्लिश उतना आता नहीं है, हिंदी में बोलूँगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी अपडेट्स मैं देता रहूँगा, बेल आइकन को जरूर, क्या हो रहा है बोल नहीं पा रहा हूँ, बेल आइकन को जरूर दबाना, कुछ क्वेश्चन हो सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।